हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। सो आज ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो नीट 2023 और 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो आज हम इस वीडियो के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो बच्चे परेशान रहते हैं उसके बारे में, उनकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताऊंगी मैं तुम्हें इस वीडियो में। ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम रहती है कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे कवर अप करें। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम आज क्लियर करते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल, क्योंकि अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इस चैनल पे तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम अगर भले ही किसी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना नहीं छोड़ना है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि वहाँ से सब कुछ हो जाएगा, मैं एनसीईआरटी नहीं रीड करूँ। ये सबसे बड़ी गलती है, एनसीईआरटी ना रीड करना, चाहे कितना भी कुछ भी चल रहा हो बढ़िया, बट एनसीईआरटी खुद से ज़रूर रीड करनी है, क्योंकि तुम खुद अपने हिसाब से जब देखोगे ना तब तुम्हें खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैंने एनसीईआरटी में ये लाइन पढ़ी थी और ये एग्जैक्ट यही लाइन एग्ज़ाम में आ गई है। मैं इस चीज़ का प्रूफ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अपना एग्ज़ाम के लिए खुद प्रिपेयर किया था सेल्फ स्टडी से ही, और मैंने खुद देखा था कि मैंने, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था तो सिंपल मैंने एनसीईआरटी को ही रीड किया था, एनसीईआरटी से ही पढ़ पढ़ के नोट्स बनाए थे अपने, और उन्हीं से जब उन्हीं को बार बार पढ़ पढ़ के जब मैंने अपने एग्ज़ाम में अपीयर किया तो मेरे एग्ज़ाम में ज़ीरो नेगेटिव थे फॉर द केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और उसमें से 40 से 40 क्वेश्चन सही गए थे, है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो तो वो रिएक्शन डायरेक्ट उठ के आ जाती है, इनऑर्गेनिक का है तो डायरेक्ट जो एनसीईआरटी में लिखा है वही आ जाता है। तो मेनली तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो तुम्हें पहली बात कि पढ़ना क्या है, तो मतलब बुक्स कौन सी बुक्स में से पढ़ना है। तो सबसे पहला तुम्हारा क्लियर हो गया कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। ओके, तो एनसीईआरटी पढ़नी है, अब उसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेने हैं, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं। अब तुमने तीन चीज़ें देख ली, एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तीन चीज़ें हो गई। इतना अगर तुमने काम अच्छे से कर लेते हो तो तुम फोर्थ ऑप्शन पे आ सकते हो, जो कि है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की बुक आती है। मैंने खुद की थी, मैंने जो खुद किया था मैं वही सजेस्ट कर रही हूँ। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की बुक आती है, उसमें जो इनऑर्गेनिक वाले पार्ट चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है उसका अगर तुम जाके करोगे तो मैंने खुद फील किया है कि जैसे मैंने एस ब्लॉक पढ़ा, एनसीईआरटी से पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, फिर मैंने जब जाके उससे किया तो मैंने देखा कि उसके वो जो क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन मुझे पूरा एस ब्लॉक एनसीईआरटी से रिवाइज कराने में बहुत अच्छी हेल्प कर रहे थे। इसीलिए कभी भी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, रिवीजन करना है तो पहले क्वेश्चन किया करो, क्वेश्चन से थ्योरी पर जाया करो, थ्योरी लेके मत बैठा करो रिवीजन करने के लिए, पहले क्वेश्चन किया करो। तो जब अगर मुझे एस ब्लॉक रिवाइज करना है तो मैंने अपना उठाए उसका क्वेश्चन फिंगर टिप्स के, और क्वेश्चन से करते वक्त, उनके आंसर करते वक्त मुझे अपना एस ब्लॉक रिवाइज हो गया। तो इसी तरीके से तो फोर्थ ऑप्शन एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की जो बुक है उस पर तुम जा सकते हो। ठीक है, अब ये तो हमारा, हमने कहाँ से क्या चीज पढ़ें वो क्लियर हो गया। अब बात आती है कि जैसे ब्लॉक्स वगैरह हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक्स आपको जब ही समझ में आएंगे, दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको ये ब्लॉक्स जब ही समझ में आएंगे जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियडिकटेबल वाला चैप्टर, पीरियडिसिटी वाला जो चैप्टर है वो, और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ये तीन चैप्टर अपने अच्छे कर लेंगे। ये तीन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे मतलब बेस बन जाता है, इसीलिए पहले इन चैप्टर्स को जहाँ पे भी, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो उस कोचिंग में से इस चैप्टर, इन तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना, और इनके बढ़िया से क्वेश्चन लगा लो पहले इनके ढंग से किसी बुक में से या किसी मॉड्यूल से। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं तो प्रॉपर मैं बोलती हूँ कि एन अवस्थी की बुक से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मैंने खुद उससे किए थे इसलिए मैं उसी को सजेस्ट करती हूँ। एक बार उससे क्वेश्चन करने के बाद ना लगता नहीं है कि तुम्हें कहीं से भी अटक जाओगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
तो तुम पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रेडिक्टेबल केमिकल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद तुम एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक पर आओगे जब, तो तुम उनके लिए तो सिंपल एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारे कोचिंग में पढ़ाया है तुम्हें एस ब्लॉक्स, तो उससे पढ़ लो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है। ठीक है, अब तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक हेल्प ये है कि तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पे जाओगे तो तुम्हें एस ब्लॉक पी ब्लॉक और इन दोनों के जो मेरे खुद के सेल्फ मेड नोट्स थे वो पड़ा हुआ है वहाँ पर। मतलब पी ब्लॉक में सारे 13, 14, 15, 16, 17, 18 सारे सारे ग्रुप्स के हैंडमेड नोट्स पड़े हुए हैं, उनमें ये है बेनिफिट, एनसीईआरटी का ही है वो, अलग नहीं है कुछ। मैं पहले ही बता देती हूँ, मतलब एनसीईआरटी में सब कुछ पैराग्राफ में लिखा होता है। मैंने खुद से क्या किया था कि पैराग्राफ में से पॉइंट्स के फॉर्म में इस तरह से लिख लिया है, तो उससे पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो तुम उसको ले सकते हो अपने पास, अगर टैबलेट वगैरह हो तो फिर उसमें ओपन करके आराम से पढ़ सकते हो, वो बेनिफिट रहेगा। अगर तुम्हें उसमें से समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है कोई भी उन नोट्स में से समझने में दिक्कत होती है, देखो तो ब्लॉक्स करना ज़रूरी तो है ही है ना, ब्लॉक्स तो तुम्हें पढ़ने ही पड़ेंगे, ब्लॉक्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उतने वो जो नोट्स हैं ना वो काफ़ी हैं, उसमें जो हाईलाइटेड मैंने हाईलाइट कर रखा है, वो जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, अगर तुमने वो हाईलाइटेड पार्ट वही है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं या इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो तुम क्या करना है कि तुम उससे खुद से पढ़ के देखो, तुम्हें समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें सेपरेटली मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियोस बना दूंगी जिनमें उन नोट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो पहले जाके नोट्स देखो, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें एक्सप्लेन करूं तो मैं तुम्हें उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे तुम्हारी ब्लॉक्स से रिलेटेड टेंशन दूर हो जाएगी। ओके, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तीन चीज़ें और स्पेशली तीन स्पेशल है चौथी वाली चीज़, ये चार चीज़ें याद रखनी है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट और अपना फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना, ये जो चार चीज़ें बताई हैं ये लिखकर एक शॉर्ट एक पेज पर लिखकर अपनी दीवार के सामने चिपका दो, इसके अलावा कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है, बस यही करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को जो नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे सॉल्यूशन लेके आऊँगी मैं। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा क्या, टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, मुझे बता दो, आई विल एक्सप्लेन यू। और देखना डेफिनेटली जैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी तुम्हें 100% समझ आएगा। ओके, तो कोई टॉपिक समझ ना आए और कुछ भी दिक्कत हो या पढ़ने का कोई भी प्रॉब्लम आए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, बाय।